हे गाइस, स्वागत है सबका और एक नए वीडियो में। दोस्तों, फाइनली ओप्पो ने कलर ओएस 12 पे चाइना में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है और उसके साथ साथ उसका बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स भी बाहर आ चुका है। तो गाइस, आपको पता ही होगा जो कलर ओएस 12 का वो उसका बीटा वर्सन चाइना में चल रहा है। तो गाइस, ओप्पो का जो कलर ओएस 12 है वो आपको रियलमी वाई 3.0 देखने को मिलेगा और रियलमी जीटी में चाइना में आपको रियलमी वाई 3.0 एंड्रॉयड 12 का बीटा वर्सन भी चल रहा है। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स के बारे में आपको बताऊंगा जो आपको Realme UI 3.0 या फिर ColorOS 12 के साथ देखने को मिलेगा। तो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को बनने से पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस जाओ फटाफट वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस आप जरूर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको रोजाना इसी चैनल में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों देखिए, Realme UI 2.0 में आपको जो फाइल मैनेजर का लुक आपको कुछ इसी तरह देखने को मिल जाता है। आप देखिए, ऊपर में आपको रिसेंट और कैटेगरी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसका नीचे देखिए आपको फोन स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, Realme UI 3.0 या फिर ColorOS 12 में आपको कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा। इधर ऊपर में देखिए, आपको जो फोन स्टोरेज है उसका आपको साइन कुछ इसी तरह देखने को मिल जाएगा और नीचे में देखिए आपको फोटोज, वीडियोज, सॉन्ग, डॉक्यूमेंट्स, फाइल आपको कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा और नीचे में देखिए आपको रिसेंट टास्क और कैटेगरीज ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसका लुक आपको पूरी पूरी चेंज हो चुका है जो Realme UI 3.0 या फिर ColorOS 12 पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, आपको फाइल मैनेजर का लुक कैसा लगा आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर्स की तरफ। तो फ्रेंड देखिए, Realme UI 2.0 में आपको जो नोटिस एप्लीकेशन है उसका लुक आपको कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा। इधर में देखिए आपको नीचे की तरफ प्लस का आइकॉन देखने को मिल जाएगा और ऊपर में देखिए सर्च योर नोटिस कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, Realme UI 3.0 या फिर ColorOS 12 में आपको जो नोटिस एप्लीकेशन का लुक को कुछ इसी तरह देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको प्लस आइकॉन देखने को मिल जाएगा जो बिल्कुल डिफरेंट है। इधर आपको येलो कलर का देखने को मिल जाएगा लेकिन उधर आपको Realme UI 2.0 में आपको व्हाइट कलर का देखने को मिल जाता है, लेकिन Realme UI 3.0 में आपको येलो कलर का देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ साथ देखिए, नीचे में आपको सेव नोटिस और नोटिस का एक छोटा छोटा आइकॉन देखने को मिल रहा है। जो इसका लुक भी आपको बिल्कुल नया है और फ्रेश देखने को मिल जाएगा, जो बहुत ही अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। तो इसका लुक आपको कैसा लगा वो भी अब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर्स की तरफ। तो फिर देखिए, Realme UI 2.0 में आपको जो कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेशन है आपको कुछ इसी तरह देखने को मिल जाएगा। इसका लुक आप ऊपर में देखिए फोन और कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल जाएगा और गाइस नीचे में देखिए आपको प्लस का आइकॉन देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, Realme UI 3.0 या फिर ColorOS 12 पे जो कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेशन का लुक आपको कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ चाइनीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आप देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट और फोन आपको Realme UI 2.0 में ऊपर में देखने को मिल जाता है ना, उधर ही आपको Realme UI 3.0 में आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपको प्लस का आइकॉन देखने को मिल रहा है और यहाँ पे देखिए माई कॉन्ट्रैक्ट और कुछ चाइनीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो इसका भी लुक आपको कुछ चेंज किया गया है, थोड़ा सा ही चेंज किया गया है। जो ऊपर में था उसको नीचे में दिया गया है। तो बस आपको लुक कुछ अलग और डिफरेंस देखने को मिल जाएगा Realme UI 3.0 या फिर ColorOS 12 में। तो इसका लुक आपको कैसा लगा वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना Realme UI 3.0। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट फीचर्स की तरफ। तो फिर देखिए, Realme UI 2.0 में आपको जो कैलकुलेटर एप्लीकेशन है आपको कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा। आप फिलहाल यहाँ पे देखिए आपको लुक कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, Realme UI 3.0 या फिर ColorOS 12 पे आपको जो कैलकुलेटर एप्लीकेशन है आपको कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा। इधर देखिए आपको साइड में जितने सारे सिंबल देखने को मिल रहा है वो आपको बोल्ड देखने को मिलेगा और आपको देखिए ऊपर में कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन Realme UI 2.0 में आपको लुक कुछ इस तरह देखने को मिल जाता है और Realme UI 3.0 में आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा, जो बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। ऊपर में आपको कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। तो गाइस, आपको इसका लुक कैसा लगा वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट फीचर्स की तरफ। तो फिर देखिए, Realme UI 2.0 या फिर ColorOS 11 में आपको जो
रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन है आपको कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा। इधर में देखिए आपको रिकॉर्ड और कॉल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और नीचे में देखिए आपको रेड कलर का एक ऑन ऑफ का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों जो रियलमी वाई 3.0 या फिर जो कलर ओएस 12 आने वाला है उसमें आपको जो रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन है आपको कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा इसका लुक। आप फिलहाल यहाँ पे देखिए ऊपर में चाइनीज लैंग्वेज में रिकॉर्डिंग लिखने देखने को मिल जाएगा, और नीचे में देखिए आपको जो रेड कलर का ऑन ऑफ का जो साइन है वो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बिग देखने को मिलेगा, थोड़ा सा बड़ा इसको कर दिया है रियलमी वाई 3.0 में, और आपको लुक कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा जो बहुत ही अच्छा सिंपल सा लुक देखने को मिल रहा है रियलमी वाई 3.0 में रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन का लुक। तो गाइस इसका लुक आपको कैसा लगा वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। दोस्तों उसके साथ साथ बहुत सारे और भी स्क्रीनशॉट आ चुका है। आप फिलहाल यहाँ पे देखिए जो कैलेंडर एप्लीकेशन है उसका लुक आपको कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा, तो आपको देखिए जो बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ दोस्तों देखिए ये है एफएम रेडियो का जो इंटरफेस है एप्लीकेशन है उसका लुक आपको कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा। इतने सभी के सब यहाँ पे चाइनीज लैंग्वेज में आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन जो इंडिया में आएगा आपको सब कुछ हिंदी लैंग्वेज में या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस ये जो कलर ओएस 12 या फिर रियलमी वाई 3.0 ये बहुत ही जल्द इंडिया में भी लॉन्च हो जाएगा। इसका डिवाइस लिस्ट रियलमी डिवाइस का लिस्ट वो भी मेरे चैनल में अवेलेबल है, आप जाके उस वीडियो भी देख सकते हो आपका डिवाइस में रियलमी वाई 3.0 आएगा या फिर नहीं आएगा। मैं फुल डिटेल्स के साथ फुल रिव्यू किया है, ऊपर में आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, आप जाके उस वीडियो को जरूर देखना। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही था, वीडियो कैसा लगा आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और इनमें से आपको कौन सा फीचर्स बहुत ही अच्छा लगा, कौन सा एप्लीकेशन का लुक आपको अच्छा लगा वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं और एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक टाटा गुड बाय, जय हिंद।